इस वक्त दोस्तों इसराइल और फिलिस्तीन की जंग सऊदी अरब और यमन के बीच में होती हुई नजर आ रही है। सऊदी अरब और यमन दोनों आपस में लड़ते और भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब लोग ये आशंका लगा रहे हैं कि सऊदी अरब और यमन के बीच में कोई बड़ी जंग ना हो जाए, क्योंकि अमेरिका यही चाहता है कि और मुस्लिम देश और अरबी देश आपस में लड़ने लगे। अब यमन के हूतीस ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को समझाया है कि आप अमेरिका की चाल में ना फंसे, वरना इसके अंजाम बुरे होंगे। यमन के हूतीस ने सऊदी अरब के बहुत सारे हवाई अड्डों के हवाई क्षेत्रों के फोटो शेयर किए हैं, जिसके ऊपर टारगेट करके उन फोटोज को शेयर किया गया है। यानी कि यमन के हूतीस अब सऊदी अरब के ऊपर नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सऊदी अरब आज भी फिलिस्तीन, गाजा, राफा और हमास के साथ एकजुटता दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही इसराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर हमला किया था, उसके बाद बहुत सारे नतमस्तक अरबी और मुस्लिम देश इसराइल के सामने पड़े हुए थे, तो यमन के हूतीस ने यह बात साबित कर दी थी कि वो सिर्फ और सिर्फ एक आजाद देश है और आज भी वो किसी की गुलामी नहीं करता है। अब यमन के हूतीस ने सऊदी अरब के सामने एक प्रपोजल रखा है। सऊदी अरब ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सामने यमन के हूतीस ने प्रपोजल रखा है कि तुम्हारी कैद में जितने भी हमास के लड़ाके हैं, तुम उन सारे हमास के लड़ाकों को आज ही रिहा कर दो। हम तुम्हारे सारे पायलटों को यमन के सना के अंदर, जितने भी पायलट हमने तुम्हारे कैदी बना रखे हैं, हम सारे पायलटों को रिहा कर देंगे। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो हमास के लड़ाकों को रिहा नहीं कर रहे हैं। अब यमन के हूतीस कह रहे हैं कि तुम अमेरिका की बातों में आ रहे हो, अमेरिका की बातों में मत आओ, वरना इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। सऊदी अरब ने सना में बंद सऊदी पायलटों की रिहाई के बदले में अपनी जेलों में बंद हमास के सदस्यों को रिहा करने से इनकार कर दिया है। अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा है कि आप अभी भी हमास के सदस्यों को एक कारण से हिरासत में ले रहे हैं, क्योंकि हमास इजरायली दुश्मन के खिलाफ लड़ता है और आप इजरायली दुश्मन के खिलाफ रुख को आपराधिक बनाते हैं। यहां तक कि जब हमने उन्हें आपके पास मौजूद कुछ सबसे महत्वपूर्ण बंदियों के बदले में देने की पेशकश की थी, आपके बंदी पायलटों के साथ हमें अपने इजरायली दुश्मन की खातिर मना कर दिया। ये आश्चर्यजनक है कि आपके पायलटों का मूल्य और महत्व इतना नहीं है कि हमास के कैदियों को रिहा कर सकें। आप इजरायली दुश्मन के लिए अपने पायलटों का बलिदान दे रहे हैं। इस तरह की बात यमन के हूतीस ने कही है कि हमने आपके सबसे महत्वपूर्ण पायलट, जो आपके लिए बेहद बेशकीमती हैं, उनको रिहा करने का ऐलान कर दिया, लेकिन बावजूद इसके फिर भी सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हमास के लड़ाकों को रिहा करने से मना कर दिया। अब यमन के हूतीस इस बात को कहने पर सक्षम है कि वो इसराइल के लिए ये काम कर रहे हैं कि वो हमास के लड़ाकों को नहीं छोड़ रहे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ये नजरिया है कि जो भी इसराइल के खिलाफ होगा वो अपराध कर रहा है, तो इसलिए हमास के लड़ाकों को सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नहीं छोड़ रहे हैं। अब यमन के हूतीस और सऊदी के बीच एक बड़ा मतभेद देखने को मिल रहा है। अब सऊदी अरब की मीडिया को लेकर यमन के हूतीस ने सीधे तौर पर कह दिया है कि सऊदी मीडिया स्पष्ट रूप से इसराइल की सेवा करती है। अब सऊदी अरब की जो मीडिया है वो सिर्फ और सिर्फ इसराइल की सेवा करती हुई नजर आ रही है। ये यमन के हूतीस की तरफ से बयान जारी कर दिया गया है। यमन के अंसारुल्लाह अब इस जंग में किसी भी तरह से कूदने के लिए सऊदी अरब को मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब आपको इस जंग के अंदर बीच में नहीं आना चाहिए। इसराइल, फिलिस्तीन और यमन के हूतीस के बीच जो जंग चल रही है, उसमें यमन के हूतीस ने, यमन के अंसारुल्लाह ने सीधे तौर पर इस बयान को जारी कर दिया है कि अमेरिका तुम्हें फंसाना चाहता है और तुम इसमें फंस रहे हो। यमन के अंसारुल्लाह सऊदी अरब को इसमें शामिल ना होने की सलाह दे रहे हैं और उन्होंने दमम में किंग फहद हवाई अड्डे और जेद्दा में किंग अब्दुल अजीज हवाई अड्डे की तस्वीरें और निर्देशांक पोस्ट किए हैं। अमेरिकी आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है और यदि आप ऐसा चाहते हैं तो कोशिश करें। ये यमन के अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब को समझाने की कोशिश की। वहीं पर बहुत सारी तस्वीरें यमन की मीडिया ने शेयर की हैं, यानी कि अगर इन तस्वीरों को आप लोग देखेंगे तो शायद आप लोगों को पता चल पाएगा कि इनके ऊपर एक टारगेट का सिंबल करके शेयर की गई है, जिसके अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं, जिसमें से एक किंग अब्दुल अजीज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेद्दा है, वहीं पर एक रियाद हवाई अड्डा है और एक इकोनॉमिक सिटी है और एक हवाई अड्डा दमम है। रास तनूरा, जीजान, जेद्दा, ये बहुत सारे हवाई क्षेत्र हैं जिस पर यमन के हूतीस की इस वक्त निगाह है। यमन की मीडिया की तरफ से तस्वीरें शेयर की गई हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यमन के हूतीस ने या यमन की मीडिया ने जो तस्वीरें शेयर की हैं वो इस बात को दर्शाती हैं कि इनके ऊपर जो टारगेट का सिंबल बनाकर शेयर किया गया है, हो सकता है आने वाले दिनों में यमन के हूतीस इस पर टारगेट करके अपना निशाना साधना शुरू कर दें, क्योंकि सऊदी अरब इस वक्त इसराइल के लिए हमास के लड़ाकों को छोड़ने पर
आमादा नहीं हो रहा है, राजी नहीं हो रहा है, जबकि यमन के हुतीस ने सऊदी अरब के सबसे महत्वपूर्ण पायलटों को छोड़ने की घोषणा कर दी है कि सबसे महत्वपूर्ण पायलट जो तुम्हारे लिए बेशकीमती है, हम उन पायलटों को छोड़ देंगे, आप सिर्फ हमास के लड़ाकों को रिहा कर दीजिए। ये शर्त हमास के लिए यमन के हुतीस ने सऊदी अरब के सामने रखी है, लेकिन वो उसको नकारता हुआ नजर आ रहा है सऊदी अरब। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं कि सऊदी अरब आखिर क्या वाकई में इसराइल के लिए काम करता है, जिस तरह से यमन के हौतीस कह रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल में इस रिपोर्ट में इतना ही।